एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्। आर्यम आर्यम गुरुदेव, श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग के 15वें श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा करें। कर रहे हैं और इस अध्याय में सभी मंत्रों के माध्यम से अर्जुन की बहुत सारे संदेह और अर्जुन की बहुत सारी शंकाओं को समाप्त कर रहे हैं। तो कहते हैं कि पहले भी पूर्व जन्मों में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हुई हैं जब गुरुता के क्षेत्र में मैं था, जब गुरु के रूप में मैं था और मुमुक्षुओं ने, प्रश्न पूछने वाले, जिज्ञासु, पिपासु, अभिप्सा रखने वाले लोग, उनको मुमुक्षु बोलते हैं। तो कहते हैं कि पूर्व रेपी मुमुक्षु भी, उन पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी मुझसे इसी प्रकार के कर्मों के बारे में पूछा है और तू भी पूर्वजों के द्वारा पूर्व काल में किए गए इन कर्मों के बारे में जानकर उनको अपने जीवन का हिस्सा बना, उससे प्रेरणा लेकर के उनको अपने जीवन के पुरुषार्थ का अभिन्न अंग बना, अर्थात उन कर्मों को कर जो तेरे पूर्वजों ने पूर्व काल में किए हैं। और चूंकि ये पहले से ही सुस्पष्ट मंतव्य वाले कर्म हैं, पहले से ही इसके बारे में एक निश्चित धारणाएं रही हैं और ज्ञान और सत्य के मार्ग पर यही कर्म हमें आगे ले जाने वाले हैं, तो इसलिए बिना किसी संदेह के तू भी इन कर्मों को कर। आर्याम अभयाम बायाम भज रे रे चित सन ततम Yeah.